नारायण 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 नारायण, अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। परमाराध्य श्री महाराज श्री की विचार शैली और भावों को व्यक्त करने की शैली अद्भुत विलक्षण विचक्षण है। महाराज श्री जिन जिन महत्पुरुषों के समीप अपने भावों को व्यक्त किए हैं या जिन जिन महापुरुषों से उन्होंने अपने अंतःकरण के भावों को अभिवृद्धि की है, उन महत्पुरुषों की चर्चा आजीवन पर्यंत महर्षि अपने मुखारविंद से करते रहे। समय समय पर महत्पुरुषों की जीवन शैली विचार शैली अभिव्यक्त शैली पर भी महर्षि ने लेखन किया और लेखन करवाया। उस अद्भुत लेखन शैली का परिचय है पावन प्रसंग। नाम से ही पता चलता है सच में प्रसंग निश्चित रूप से बंधन का कारण होता है, किंतु कोई प्रसंग पावन भी होता है इस ग्रंथ से ही पता चलता है। सच में वह प्रसंग पावन है जिस प्रसंग से जीवन में पावनता आ जाए, पवित्रता आ जाए। वह संग केवल हो सकता है तो महत्पुरुषों का संग। महर्षि की गुणग्राहिता अद्भुत है। कई बार हम भाव विह्वल हो जाते हैं कि महत्पुरुषों से भी हम कुछ नहीं ले पाते, किंतु हमारे गुरुजन सामान्य पुरुषों से भी बहुत कुछ ले लेते हैं, और महत्पुरुषों से लेने की तो बात ही अद्भुत है। आइए एक दृष्टि डालते हैं स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरित्र पर। महर्षि ने यहाँ जो दृष्टि दी बहुत अद्भुत विलक्षण है। महर्षि कह रहे हैं कि जिन्हें हम कठोर समझते थे वो कोमल निकले, जिन्हें हम पाषाण समझते थे वो गुलाब के पुष्प के समान कोमल निकले, जिन्हें अग्नि समझते थे वह एक रत्न निकले। महर्षि प्रेमपुरी जी महाराज के विषय में जो जनमानस से सुन रखा था, लोगों से सुन रखा था, वो लोग यही कहते थे पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज का स्वभाव बहुत कठोर है, लोगों पर अनुशासन करते हैं, डांटते हैं। किंतु महर्षि की मुलाकात निश्चित रूप से एक ऐसी मुलाकात थी जो भ्रम को भस्म करने वाली थी। पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज का मिलन एक अद्भुत विलक्षण मिलन था। उस मिलन में ऐसा लगता है कि दो शरीर नहीं मिले, दो आत्मा ही मिल गई। अधिकतर मिलन होता है शरीरों का जो क्षणिक होता है, बहुत दीर्घकाली नहीं होता है, किंतु जो आत्म मिलन है वह शाश्वत है, और महर्षि का यह आत्म मिलन ही था। महर्षि आजीवन पर्यंत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के हो गए।
और प्रेमपुरी जी महाराज श्री महर्षि के हो गए। उसका कारण था प्रेमपुरी जी महाराज का जो चिंतन, विचार, रहनी, व्यक्त करने की क्षमता अधिकतर संसार में लोग समझते हैं दुख का कारण व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है, किंतु सच यह है इन तीनों में से कोई भी दुख का कारण नहीं है। न व्यक्ति है, न स्थान है, न वस्तु है। दुख का कारण यदि कोई है, सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञान ही अंधकार एवं मृत्यु का निवास देता है। अज्ञान में ही मृत्यु है और अज्ञान में ही अंधकार है, दुख है। ज्ञान से ही पता चलता है कि इसकी सत्ता ही नहीं है, किंतु साधन भजन करने में लोग की तो आवेग का प्रयोग करते हैं, की तो उद्वेग का प्रयोग करते हैं या भावावेग का प्रयोग करते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में आवेग, उद्वेग और भावावेग संभव नहीं है, सामर्थ्य नहीं उसमें कि इनसे पाया जा सके। पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज शास्त्र अध्ययन के बाद, गुरुवरण के बाद ब्रह्मात्मिक वृत्ति न बनने का कारण खोजने लगे, और कारण खोजने के बाद भी यदि कारण न मिला तो उसके निवारण के लिए प्रयास करने लगे कि लगता है शरीर ही बंधन का कारण है, किंतु शरीर का त्याग करने के पूर्व उन्होंने विचार किया कि इसका त्याग आवेग से नहीं हो, उद्वेग से नहीं हो, भावावेग से न हो, इसलिए 3 दिन तक उपवास किया और उसके बाद गंगा को शरीर समर्पण करने का मानस बनाया। 3 दिन उनके पास 3 दिन हुए, उनके पास एक कासाय वस्त्रधारी वृद्ध माता का आगमन होता है। निश्चित रूप से वो माँ गंगा ही थी। माँ गंगा ने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे? पूज्य स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल निष्कपट भाव से अपने स्वभाव के अनुरूप वाणी का प्रयोग किया कि मैं इस देह का परित्याग करना चाहता हूँ। महासी, इसका कारण क्या है? बोले, देह ही बंधन का कारण है और मैं मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने हंस करके कहा, अच्छा यह बात है, त्याग देह का त्याग तादात्म के त्याग से होता है, जान बुझ कर मरने से तादात्म और दृढ़ होता है। आप जो क्रिया जान बुझ कर करें उससे तादात्म और दृढ़ होगा, और जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक तादात्म का त्याग नहीं होगा। महर्षि को, प्रेमपुरी जी महाराज को माँ ने कहा, तुम यदि मुझे बंधन दिखा दो तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें मुक्ति दिखा दूंगी। बंधन के हेतु बंधु और धन है, न तुम्हारे पास धन न बंधु, तो बंधन किसका? अरे नारायण, यह बंधन भी काल्पनिक ही है। माँ ने सुवाक्य से मानो श्री प्रेमपुरी जी महाराज का बंधन काट दिया। अरे बंधन तो केवल कल्पना का विषय है, तो निश्चित रूप से बंधन से कटे हुए निर्मुक्त महापुरुष श्री प्रेमपुरी जी महाराज, उनके जीवन की जो छाप महर्षि के जीवन में पड़ी वह आजीवन रही। यही तो पावन प्रसंग है, जिस प्रसंग के कारण हमारा जीवन पवित्रता से भर जाए, पवित्र विचारों से भर जाए,
पवित्र चिंतन से भर जाए, पवित्र व्यवहार से भर जाए। ये महापुरुषों का जीवन ऐसा ही पावन और पवित्र है, हमारे जीवन में भी यह पवित्रता मिले, ऐसे महापुरुषों का संग हो जिनका रंग हमारे जीवन में आ जाए, उस रंग से हम भी रंगीले हो जाएं, रसीले हो जाएं। यही महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण।